Welcome back to our channel. This is me, Iman, and Mawsam. And you're watching News Views and Updates. और आज हम बात करेंगे इंडिया के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में. वैसे तो हम लोगों ने पहले भी काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस पर रिएक्ट किया हुआ है जो कि इंडिया में मतलब डिफरेंट प्रोजेक्ट्स स्टार्ट हुए हैं या फिर इन प्रोग्रेस हैं. तो इस वीडियो में कलेक्टिवली सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका डिस्कस किया गया, मतलब उनके बारे में डिस्कशन हुई है. तो चलिए पहले देख लेते हैं आज की वीडियो अंदर डिस्कस हम लोग को किस तरह के लगे हैं सारे प्रोजेक्ट्स. तो लेट्स स्टार्ट एंड वॉच द वीडियो. सेतु भारतम प्रोजेक्ट या फिर योजना. सेतु भारतम प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 साल पहले 4 मार्च 2016 को. और इसका एम बहुत ही सिंपल सा है, हमारे जो नेशनल हाईवे हैं उनके बीच में जो रेलवे क्रॉसिंग होता है उनसे छुटकारा पाना. अनमैन रेलवे क्रॉसिंग की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, बहुत सारी जाने जाती हैं, तो हम इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं. इस प्रोजेक्ट के और डिटेल में जाए तो जो हमारे ब्रिटिश एरा के ब्रिजेस हैं, एक तो उनको रिप्लेस करना है, वहां पर एक नया ब्रिज बनाना है, या फिर जिस ब्रिज की कंडीशन ठीक नहीं है उनको और मजबूती देनी है, या फिर ब्रिज चौड़ा नहीं है तो उनको और चौड़ा बनाना है. बोगीविल ब्रिज, इंडियाज लॉन्गेस्ट रेल रोड ब्रिज. जो भी मेरे नॉर्थ ईस्ट के भाई कमेंट करते थे मेरे वीडियोस पर कि सारा कुछ तो मुंबई गुजरात या फिर दिल्ली के लिए ही बन रहा है, हमारे लिए तो कुछ बन ही नहीं रहा है, पर ऐसा नहीं है भाई. आपके लिए तो हिंदुस्तान का सबसे लंबा ब्रिज बन रहा है. ये ब्रिज ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर बन रहा है बिटवीन धेमाजी डिस्ट्रिक्ट एंड दिब्रुगढ़ डिस्ट्रिक्ट. ये चौथा ब्रिज है ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नॉट जस्ट फॉर पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ये इंपॉर्टेंट है हमारे सेना के लिए भी. इस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था अप्रैल 2002 में और कंप्लीट होगा 2018 के अंत तक. बोगीबिल ब्रिज को कंप्लीट होने में इतना समय इसलिए लगा क्योंकि जिस रीजन में ये ब्रिज बन रहा है वहां पर बहुत ही हैवी रेनफॉल होती है, तो वर्कर्स को पूरी स्ट्रेंथ में काम करने के लिए साल के बस 4-5 महीने ही मिलते हैं. इसका इनिशियल कॉस्ट था 17.67 बिलियन. डिले की वजह से कॉस्ट बढ़ गया अराउंड 49.96 बिलियन. ब्रिज पूरा कंप्लीट हो चुका है, बस थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिकल का और दूसरा छोटा मोटा काम रह गया है. इसका इनॉग्रेशन इस साल के अंत तक होगा और ये पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा. और अगर आप जानना चाहते हैं दिबांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना. सागरमाला प्रोजेक्ट, सागरमाला एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है और इसे बहुत ही सोच समझ कर डिज़ाइन किया गया है. हमारे जो एग्जिस्टिंग पोर्ट्स हैं, जो बंदरगाह हैं, उनको इस प्रोग्राम के अंतर्गत मॉडर्नाइज किया जाएगा और नए बंदरगाहों को भी बनाया जाएगा ताकि हमारा जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है वो और मजबूत बन सके. इसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत 14 कोस्टल एम्प्लॉयमेंट जोन्स और कोस्टल एम्प्लॉयमेंट यूनिट्स को डेवलप किया जाएगा और रोड, रेल्स, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स, पाइपलाइंस एंड वाटरवेज को डेवलप किया जाएगा. ये प्रोजेक्ट करीब 1 करोड़ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नए जॉब्स पैदा करेगा. भारतमाला परियोजना, भारतमाला को हरी झंडी दिखाई थी हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने इन जुलाई 2015. इस प्रोजेक्ट का एम है भारत के सभी राज्यों को, सभी डिस्ट्रिक्ट को हाईवे से जोड़ना, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ. ये 2 फेज में पूरा होगा. पहला फेज 34,800 किलोमीटर का होगा जो दिसंबर 2019 तक कम्प्लीट होगा और सेकेंड फेज 48,877 किलोमीटर का हाईवे होगा जो 2022 तक पूरा होने की संभावना है. मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, एके सेवरी नवा सेवा ट्रांस हार्बर लिंक, ये एक ब्रिज है जो 21.8 किलोमीटर लंबा होगा, 6 लेन्स वाला ब्रिज, और ये ब्रिज बनने के बाद हिंदुस्तान का सबसे लंबा ब्रिज होगा और इसकी लागत है 14.262 करोड़ यानी कि 2.1 बिलियन US डॉलर्स और ये 2023 तक बन के कम्प्लीट होगा ऐसा अनुमान है. हार्बर लिंक मुंबई सिटी को नवी मुंबई से कनेक्ट करेगा और इसका फ्यूचर प्लान है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से जोड़ने का और मुंबई टू गोवा हाईवे से जोड़ने का, और ऐसा करने के बाद आपको मुंबई या गोवा जाने के लिए 1 घंटा कम लगेगा. चारनका सोलर पार्क, चारनका सोलर पार्क इज लोकेटेड इन नॉर्थ गुजरात एंड इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सोलर पार्क इन द वर्ल्ड.
ये प्रोजेक्ट पहले ही कंप्लीट हो चुका है पर इसका एक्सपांशन अभी भी जारी है। चारण का सोलर पार्क की कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा फ्रॉम 1612 मेगावाट्स टू 2000 मेगावाट्स ऑफ सोलर पावर कैपेसिटी एवरी ईयर फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। ये प्रोजेक्ट नरेंद्र मोदी जी के विजन से बना है जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे एंड इट इज इनोग्रेटेड इन 2012। और गुजरात हिंदुस्तान का ऐसा पहला स्टेट था जो सोलर पार्क की आइडिया को लेकर आया था थैंक्स टू मोदीज ग्रेट विजन। बुलेट ट्रेन, बुलेट ट्रेन के बारे में आप सभी जरूर जानते होंगे क्योंकि ये एक गर्म टॉपिक था। ये एक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है फ्रॉम मुंबई टू अहमदाबाद विच इज लोकेटेड इन गुजरात और इसको जापान बनाएगा। इसकी लागत है करीब 1.1 लाख करोड़। 81% जापान लोन देगा इंडिया को विथ इंटरेस्ट रेट ऑफ 0.1% और बाकी का पैसा इंडियन गवर्नमेंट और गुजरात एंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट देख लेगा। बुलेट ट्रेन की करंट ऑपरेटिंग स्पीड है 320 किलोमीटर पर आवर और इसकी फर्स्ट टेस्ट रन 2022 तक होने का अनुमान है। बुलेट ट्रेन का बहुत ही मजाक उड़ाया गया था कि एक मैजिक ट्रेन होगी क्योंकि ये कभी बनेगी ही नहीं और दूसरे लोग कहते थे कि बुलेट ट्रेन क्यों चाहिए हिंदुस्तान को, इसकी जगह पर टॉयलेट्स बनाओ, स्कूल्स बनाओ, लोगों को नौकरी दो, इतना पैसा एक ट्रेन पर क्यों खर्च करना चाहते हो। तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, हिंदुस्तान ने कुछ साल पहले एक मास मिशन किया था, हिंदुस्तान ने अपना एक सैटेलाइट मास पर भेजा था तो उससे क्या फायदा हुआ? आप कहोगे कुछ फायदा हुआ नहीं, पर उसके कुछ ही महीनों बाद हिंदुस्तान ने 104 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च किए थे और ये सैटेलाइट सिर्फ हिंदुस्तान के ही नहीं थे, ये पूरी दुनिया से सैटेलाइट आए थे, दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज से आए थे और उन्होंने हम पर भरोसा किया कि आप हमारे सैटेलाइट को ऑर्बिट में पहुंचा दो। तो ये भरोसा कहां से आया? क्योंकि हिंदुस्तान ने पहले ही अपना पोटेंशियल दिखाया था, अपनी क्षमता दिखाई थी कि हिंदुस्तान ऐसे काम कर सकता है जो मास मिशन किया था, तो पूरी दुनिया ने हमारे पोटेंशियल को देखा था, इसलिए हमें ये 104 सैटेलाइट लॉन्च करने का मिशन मिला था। और 104 सैटेलाइट लॉन्च करने का मिशन जो है ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड था 38 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च करने का, 38 समथिंग, पर हिंदुस्तान ने एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च किए और एक बहुत ही बड़ा मिशन था और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मिशन था। और इसी लॉजिक को आप बुलेट ट्रेन पर भी लगा सकते हो क्योंकि हमें अपना पोटेंशियल दिखाना चाहिए कि हम ये भी कर सकते हैं ताकि पूरी दुनिया देखे और जो बाहर इंडस्ट्रीज हैं, बाहर के जो बिजनेस हैं, वो मेक इन इंडिया के तहत हिंदुस्तान में आए और अपना प्रोडक्ट हिंदुस्तान में बनाए ताकि हिंदुस्तान के लोगों को जॉब्स मिल सके और हम जो सुपर पावर बनने की रेस में और एक कदम आगे बढ़ा सके। बहुत सारे लोगों को मेरा ये लॉजिक समझ नहीं आया होगा। एनीवे, आपको क्या लगता है कि बुलेट ट्रेन हिंदुस्तान में बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? आप प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताना। मुझे विश्वास है कि राष्ट्र को सशक्त बनाने में, राष्ट्र को समृद्ध बनाने में, राष्ट्र को गतिशील बनाने में इंफ्रास्ट्रक्चर अहम भूमिका अदा करता है। जैसे शरीर की मजबूती का कारण शरीर की नसों का रोल है, वैसे ही राष्ट्र की मजबूती का आधार इस इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। चार धाम हाईवे एक चार लेन वाला एक्सप्रेस नेशनल हाईवे होगा। ये उत्तराखंड में बनाया जाएगा जो कनेक्ट करेगा हिंदुस्तान के चार होली प्लेसेस को जो है बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री एंड यमुनोत्री को। इसका टोटल बजट है 12,000 करोड़। चारधाम हाईवे का फाउंडेशन स्टोन डाला था हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑन December 27, 2016 को। इस प्रोजेक्ट में इंक्लूड होगा बाईपास, ब्रिजेस, वायडक्ट, पिट स्टॉप्स, पार्किंग, हेलीपैड्स एंड हेलीकॉप्टर इमरजेंसी रिस्पांस सर्विस। डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर एक रेलवे सिस्टम है जिसका सोल पर्पस है ओनली टू ट्रांसपोर्ट गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बहुत सारी तादाद में एक साथ। आज की सिचुएशन है इंडिया में जो ट्रैक्स इस्तेमाल होते हैं पैसेंजर ट्रेन के लिए, वही ट्रैक्स को इस्तेमाल किया जाता है
फ्राइट ट्रेन के लिए, और इसकी वजह से ट्रेन डिलेज, ट्रैफिक जाम्स और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। और क्या आपको पता है हिंदुस्तान में एक जगह से दूसरी जगह पर चीजें ट्रांसपोर्ट करने के लिए हिंदुस्तान सबसे ज्यादा प्राइस पे करता है कंपेयर टू अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड। पर अब ऐसा नहीं होगा। इंडियन रेल एक हाई क्लास मॉडर्न कॉरिडोर बना रही है जो सिर्फ गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल में लिया जाएगा, जैसे कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर फ्रॉम लुधियाना टू कोलकाता, जिसकी लंबाई है 1840 किलोमीटर, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर फ्रॉम दादरी टू जेएनपीटी नवा सेवा, जिसकी लंबाई है 1483 किलोमीटर, ईस्ट वेस्ट फ्राइट कॉरिडोर फ्रॉम कोलकाता टू मुंबई 2000 किलोमीटर लंबा होगा ये, नॉर्थ साउथ फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई 2173 किलोमीटर होगा लंबा, ईस्ट कोस्ट फ्राइट कॉरिडोर फ्रॉम खड़गपुर टू विजयवाड़ा, इसकी लंबाई होगी 1100 किलोमीटर, साउथ वेस्ट फ्राइट कॉरिडोर फ्रॉम चेन्नई टू गोवा, इसकी लंबाई होगी 890 किलोमीटर। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इट? इट विल क्रिएट मोर जॉब्स, गुड्स विल बी चीपर, गुड्स ट्रांसपोर्ट करने की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, स्पीड विल इंक्रीज ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स, लेस एनर्जी कंजप्शन, रिड्यूस इन ग्रीन हाउस गैस एमिशन, बूस्ट फॉर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, नो डिलेस इन पैसेंजर रेलवेज एंड लिस्ट गोज ऑन। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू, ये क्राइस्ट के स्टैच्यू से भी बड़ा होगा, स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा से भी बड़ा होगा, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी बड़ा होगा। इस स्टैचू की टोटल हाइट है 182 मीटर्स और ये दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे लंबा स्टैचू होगा। इस स्टैचू को नर्मदा डैम से 3.2 किलोमीटर दूर साधु बेट पल पर बनाया जाएगा और इसकी फेसिंग होगी नर्मदा डैम की तरफ। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को इनॉग्रेट किया जाएगा अक्टूबर 31 को बाय अवर प्राइम मिनिस्टर, और 31 अक्टूबर इसलिए क्योंकि उस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बर्थ एनिवर्सरी है। स्टैच्यू को बनाने के लिए जो आयरन की जरूरत होगी वो हिंदुस्तान के किसानों से ली जाएगी एज अ डोनेशन ऑफ देयर ओल्ड यूज्ड फार्मिंग इक्विपमेंट्स। और बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए, जैसे कि ऑब्जर्वेशन डेक, पब्लिक प्लाजा और सारी टूरिस्ट को लुभाने की चीजें, बट आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग एल्स। यू नो, लोग कहते हैं कि वाई स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, इससे अच्छा तो कृषि पर ध्यान दो और उनकी सारी बकवास बातें। पर आप जो ये नक्शा देख रहे हैं हिंदुस्तान का, ये शायद ऐसा नहीं होता अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो। जो वीडियो थी जो अभी हमने देखी है, इसमें काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स जो है हम वो उस पर पहले वीडियोस बना चुके हैं, हम उस पर पहले अपने रिव्यूज पास कर चुके हैं, लेकिन इसमें कुछ चंद तीन चार जो प्रोजेक्ट्स थे वो ऐसे थे जो हमें मालूम नहीं था, हमें किसी ने बताया भी नहीं, मे भी किसी ने कमेंट में किया लेकिन हमें पता नहीं चला। हाँ, लेकिन मोस्टली जो प्रोजेक्ट्स थे लाइक जैसे सागरमाला था, इसरो था, और फिर उसके बाद जो एक वो हाईवे का था वो भी हमने जो है पहले देखा, हाईवे हुए ना काफी ज्यादा बना रहे थे ना, और कौन से प्रोजेक्ट्स थे, फिर उसके बाद नवी मुंबई से जो रोड कनेक्शन है उससे भी हमने पहले किया हुआ है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे भी किया हुआ है, तो अब मतलब उसी का तो इनॉग्रेशन भी हो चुकी हुई है। और लेकिन हाँ, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जो कि हम हमारे लिए नहीं होते, लाइक फर्स्ट वाला प्रोजेक्ट था जिसमें के रेलवे ट्रैक नहीं, वो फ्लाईओवर्स ओवरहेड्स बना रहे हैं तमाम रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर से जो नेशनल हाईवे से गुजरते हैं, और बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट है क्योंकि काफी ज्यादा हादसे जो हैं वो होते हैं इस तरह, और उन्हीं की रोकथाम के लिए ये अच्छा प्रोजेक्ट है क्योंकि इंडिया में वैसे भी रेल सर्विस बहुत ज्यादा है पाकिस्तान की निस्बत, हाँ पाकिस्तान की निस्बत नहीं, कंपैरिजन में तो बाकी बहुत कम है, लेकिन अगर बात की जाए ओवरहेड्स की तो बहुत अच्छी चीज है। और दूसरी जो है जो पैसेंजर और फ्रेट कॉरिडोर जो है वो लैदा कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, मतलब एक गुड्स कम से कम टाइम में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेंगी, फिर उसके बाद जैसे बात एक कम टाइम पहुंचेंगी, प्राइस भी कम खर्च होगी, ऑफ कोर्स आपको भी पैसेंजर ट्रैक पे अगर क्या नाम लेते हैं भाग रही है ये फ्रेट ट्रेन और पीछे से पैसेंजर ट्रेन आ गई, उसे तो खड़ा होना पड़ेगा, लेकिन जो उसकी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है या उसके जो डीजल कंज्यूम हो रहा है वो तो खर्चा है ना, खर्चा कम आएगा। लेकिन इतने सारे प्रोजेक्ट्स जो लाइक स्टार्ट हो रहे इंडिया में, ये मतलब इस चीज की तरफ देखो कि इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ये हैं कि बहुत ज्यादा आपकी कंट्री में ही अपॉर्चुनिटीज जो हैं जॉब्स की आपको मिल रही हैं, और फिर इसके अलावा आपकी कंट्री के लीडर जो हैं उनका पता चलता है वो कितने सिंसियर हैं, एटलीस्ट कुछ ना कुछ देखो होता जा रहा है मतलब, और ये नजर आ रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, लोग इस चीज को एक्नॉलेज कर रहे हैं।
इंडिया बिल्कुल बहुत प्रोग्रेस कर रहा है। बिल्कुल, आपके मुल्क के जो पॉलिटिशियंस भी होते हैं वही आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मजबूत करते हैं, ताकि आने वाले वक्त में लोग आपको याद रखें कि फलां हमारा लीडर था वो कुछ करके गया था। और मेरे ख्याल में अभी फिलहाल जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, मतलब काम जितना काम कर रहे हैं वो नजर आ रहा है लोगों को, और जो क्रेडिबिलिटी वो इंडिया की पूरी दुनिया में बना रहे हैं वो भी नजर आ रहा है, और इंडियन लॉबी बहुत स्ट्रांग कर रहे हैं। मतलब अगर आप कहीं पर भी बाहर लाइक किसी भी कंट्री में जाते हो, आपको हर एक हर डिपार्टमेंट में आपको इंडियंस लाजमी नजर आएंगे। क्योंकि हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि आउट ऑफ कंट्री हैं, और उनके साथ उनके कोलीग ज्यादा इंडियंस ही हैं, क्योंकि आप हर जगह पर ही मतलब हर फील्ड में इंडियंस नजर आते हैं। तो नो डाउट आपकी हार्डवर्क और आप कितना सिंसियर अपनी कंट्री के साथ अपने काम के साथ, ये चीजें आपको आगे लेकर चलती हैं। कुछ लीडर्स का भी सिंसियर होना बहुत जरूरी है, और लीडर से ज्यादा जो है आपकी अपनी अवाम, अपने मुल्क के लोग, उनका अपने मुल्क के साथ सिंसियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन मैं ये बात बोलूंगी कि फिलहाल इंडिया के पास जो लीडर है वो सिंसियर है, बहुत सिंसियर है, और वो जिस तरीके से कंट्री को लेकर चल रहे हैं ना, उनकी सिंसियरिटी का पता ही यहाँ से चल रहा है। क्योंकि अगर हम लोगों को वो एक बंदा बोलता रहे ना कि मैं बहुत सिंसियर हूँ तो वो तो ठीक है, लेकिन जो काम करके दिखा रहा है ना, उससे पता चलता है कि हाँ आप अपनी कंट्री के साथ कितने सिंसियर हो। बिल्कुल, और अगर वीडियो की बात की जाए जो नॉर्थ ईस्ट में एक प्रोजेक्ट बन रहा है, जो इंडिया का सबसे लंबा ब्रिज बन रहा है, वो बहुत अच्छा है। और उसमें सबसे जो मुझे एक हैरत अंगेज बात लगी, वहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 months जो है वो बारिश होती रहती है, और ऐसे में एक ब्रिज बनाना बहुत मुश्किल है। और उसके बाद एक और प्रोजेक्ट जो है जो जैपनीज जो है उनकी कोलैबोरेशन से बन रहा है, बुलेट ट्रेन, उसमें सबसे अच्छी हाँ बिल्कुल बाद में ये अच्छी लगी कि 0.1% इंटरेस्ट रेट है, अकलमंदी पर बिल्कुल इतना कम इंटरेस्ट रेट। बिल्कुल, मतलब सेंस है ना कि लाइक आप कितने कम इंटरेस्ट रेट पर काम भी करवा रहे हो और अपनी कंट्री में डेवलपमेंट भी करवा रहे हो। तो इसी को बोलते हैं कि आपके अच्छे लीडर्स होना बहुत जरूरी है, और फिर अगर एक अच्छा लीडर होगा तो वो लीड भी अच्छे तरीके से करेगा। बिल्कुल सही बात है। वेल, जिन प्रोजेक्ट्स के बारे में हमने डिस्कशन नहीं की उन पर ऑलरेडी हम लोग वीडियोज़ बना चुके हैं, इसलिए हमने उन पर डिस्कशन नहीं की। होपफुली आपको अच्छी लगेगी हमारी आज की वीडियो, हम लोगों को तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन इसके अलावा भी इसका एक थर्ड पार्ट है जो कि हम लोग देखना चाहते हैं, और क्योंकि मजीद नए प्रोजेक्ट्स इंडिया में कौन से हैं हम वो देखना चाहते हैं, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग इसी पर वीडियो बनाएंगे। इसी के साथ हम रैप अप करते हैं, और हमारी वीडियो को करें लाइक, और हमारी वीडियोज़ को करें शेयर, और हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, एंड कीप अस इन योर प्रेयर। टिल देन, गुड बाय।